राजस्थान में बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में नागौर विधानसभा से एक बड़ा नाम शामिल किया गया है। कुछ माह पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई तेज तर्रार नेत्री और पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। चुनाव से पहले कांग्रेस की सीनियर नेता ज्योति मिर्धा बीजेपी में शामिल हुई हैं। उनके इस दल बदल से होने वाले नफे नुकसान का आकलन भी होने लगा था। पेशे से डॉक्टर ज्योति मिर्धा 2009 में नागौर से लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बनी थीं। वो कांग्रेस से विधायक भी रहीं। हालांकि 2014 और 2019 में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब उनके हाथ छोड़ बीजेपी में एंट्री से बीजेपी को बड़े फायदे की उम्मीद है। विधानसभा चुनाव में नागौर से बीजेपी उम्मीदवार ज्योति मिर्धा कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे नाथुराम मिर्धा की पोती हैं। नाथुराम मिर्धा की कांग्रेस और राज्य की राजनीति में अच्छी पकड़ थी। वो सांसद और विधायक रहे। मिर्धा परिवार दशकों तक मारवाड़ की राजनीति की धुरी भी रहा है। पेशे से डॉक्टर ज्योति मिर्धा ने 2009 में नागौर से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन उसके बाद वो लगातार 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव हार चुकी हैं। राजस्थान के नागौर जिले में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ज्योति के बीजेपी में आने और नागौर से उन्हें उम्मीदवार बनाए जाने से यहां की कम से कम 7 सीटों पर बीजेपी को फायदा मिलेगा। हालांकि ज्योति मिर्धा की पहचान खास तौर से उनके दादा के नाम से ही है। 2009 में नाथुराम मिर्धा की पोती होने के कारण उन्हें लोगों का भारी समर्थन मिल गया, लेकिन इसके बाद वैसा समर्थन नहीं मिल पाया। 2009 के बाद 2014 और फिर 2019 कांग्रेस ने लगातार 3 बार ज्योति मिर्धा को लोकसभा चुनाव का टिकट दिया। तब उनके समर्थन में ये नारा भी चलाया गया, बाबा की पोती है नागौर की ज्योति है। मगर इस नारे का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नागौर जाट बहुल इलाका है। यहाँ से ज्योति मिर्धा का चुनाव लड़ना न सिर्फ नागौर जिले ही बल्कि सीकर और झुंझुनू जिलों की 10 सीटों पर भी असर डालेगा और इसका फायदा बीजेपी को मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। ज्योति के दादा का जाट बहुल क्षेत्रों में अच्छा प्रभाव था। ऐसे में अब देखना होगा कि बीजेपी के बैनर तले क्या ज्योति इन क्षेत्रों में कोई कमाल दिखा सकती है। 26 जुलाई 1972 को नई दिल्ली में जन्मी ज्योति ने जयपुर के SMS मेडिकल कॉलेज से MBBS की डिग्री ली है। हरियाणा के हुड्डा परिवार से भी उनकी रिश्तेदारी रही है।